बहुत विशेष होता है जब ऐसे इन हाथों जो इतने ऑनरेबल पोजीशन पे हैं उनके द्वारा अगर सम्मानित किया जाए तो ऑब्वियसली स्पेशल हो जाता है। तो वो इसलिए शायद एक्साइटमेंट में जल्दी आ गया तो अच्छा लगेगा। आई मीन देखते हैं वो मोमेंट कैसा होता है। एक दिन में मैं आजकल तो न्यूज़पेपर ही नहीं रीड कर रही हूँ मैं ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया मैंने न्यूज़ आजकल, क्योंकि ऑन द गो तो वही सबसे ज़्यादा उसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो जो आते हैं पॉपअप होते हैं वो पढ़ते हैं। अभी अब वो एक्चुअली आदत छूट गई है पढ़ने की, जो कि गलत होती है। बचपन में पेरेंट्स ने तो डाली थी मेरी आदत, घर में कुछ 4-5 तरह के न्यूज़पेपर आते थे। नवभारत टाइम्स आता था घर पर मेरे, दिल्ली में अभी भी आता है। तो हाँ वो उस टाइम आदत थी। अब जब से यहाँ पर आया काम करना शुरू किया एक्चुअली तब से आदत छूट गई है पढ़ने की। आई थिंक इट्स द टॉप 10 रेटेड मूवीज IMDb मूवीज ऑफ दिस ईयर। लकीली मैं मेरी दोनों पिक्चरें उस लिस्ट में आ गई आई एम होपिंग के बाकी दो है वो भी आ जाए। आई एम वेरी हैप्पी यार। आई मीन इट वाज सच अ एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, तो वो 3 लैंग्वेजेस में एक साथ रिलीज़ करना ही एक बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी इट गॉट रिसीव्ड वेल। IMDb रेटिंग्स आर प्रिटी गुड एंड साल मेरा आधा अच्छा निकल गया, बाकी आधा देखते हैं कैसा निकलता है, पता चल जाएगा। अभी कुछ फेस्टिवल स्टार्टेड विद दिस, हाँ आज हो जाएगा, कुछ घंटों में फेस्टिवल मेरा चालू हो जाएगा, फिर मैं हफ्ते तक सेलिब्रेट ही करूँगी। लेट्स आस्क हर दिस क्वेश्चन, वो मुझे क्या गिफ्ट कर रही है, मैंने तो दे दिया उसको गिफ्ट, पता नहीं क्या देती, वैसे पता नहीं क्या देगी, सरप्राइज ही है। एक्चुअली इसलिए नहीं बता पा रहे ज़्यादा क्योंकि एक तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत स्पेशल मुद्दा है, जैसे कि देख ही रहे हैं आप अनुभव सर की फिल्में लास्ट 2 जो आई हैं मुल्क और आर्टिकल 15 मुद्दे पे होती हैं, तो ये भी एक मुद्दा होगा, थोड़ा इस टाइम ज़्यादा सोशल होगा। देयर इज़ अ रीज़न वाई इट्स रिलीजिंग ऑन वुमेंस डे, एटलीस्ट आई मीन जो द फ्राइडे क्लोजेस्ट टू वुमेंस डे। और उससे ज़्यादा डिटेल्स आपको जब फॉर्मल ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी उसके साथ आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनुभव सर और मैंने मुल्क की प्रमोशंस के दौरान डिस्कस किया था। स्क्रिप्ट उस समय नहीं थी कोई जब हम डिस्कस करे थे। इस मुद्दे पे हम दोनों ज़रूर कोलैबोरेट करना चाहेंगे बिकॉज वी बोथ फील वेरी स्ट्रांगली फॉर दिस सब्जेक्ट। एंड तब से लेके आई थिंक आप समझ लीजिए जुलाई अगस्त का समय था, एक साल एग्जैक्टली एक साल पहले ये हमने डिस्कस किया था और आज एक साल बाद स्क्रिप्ट बन चुकी है और वो शूट करने वाले 1 महीने में। अरे दे हैव बिन वेरी काइंड, देखा जी हैज़ बिन रियली वेरी काइंड। मैं उनके ऑफिस भी गई हूँ कई बार, तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्यारा सा वेलकम मिलता है हर बारी, बहुत वार्म। इससे पहले मैं काफ़ी बारी आना चाहती थी इनके इवेंट्स पे बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई, तो इस बारी आई एम हैप्पी आई कुड मेक इट। मतलब एक बहुत प्यारा वार्म सा वेलकम मिलता है NBT के द्वारा जब भी मैं इनके ऑफिस आऊँ या कभी भी इनके जर्नलिस्ट से मिलूँ। तो आई होप वो आगे भी बरकरार रहे, चाहे वो मेरे काम की वजह से हो या किसी की भी वजह से हो, बट आई होप वो सिचुएशन रहे। मेरे को आगे भी बुलाना, अवार्ड इस बारी दे रहे हो, अगली बारी नहीं भी दोगे तो बुला लेना प्लीज़ जो मेरे विचार है ना मैं वो व्यक्त कर देती हूँ, चाहे वो मैं कभी भी मैं एक्चुअली उन चीज़ों पे विचार अपने रखती हूँ जिससे मुझे अफेक्ट करता है। जब भी कोई इस तरह का हादसा हुआ है जो मेरी नज़र में आया है मैंने उसके बारे में बोला है। जब मुझे कोई अच्छी चीज़ भी दिखी अपनी कंट्री के बारे में उसके बारे में प्राउडली मैंने बोला है कि आई एम सो प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग। सो आई थिंक दोनों तरफ के आंखें खोल के रखनी चाहिए। उनको लग रहा है कि इस टाइम पे नीड ऑफ दी आर है तो उन्होंने वो किया जो उनको सही लगता है, जिनको लगता है कि उनके लिए वो नीड ऑफ दी आर है कि वो बोलें कि ये सही नहीं है उन्होंने वो किया। मेरे को जो लगता है वो मैं बोल देती हूँ। इन दोनों में से कोई मेरे पास नहीं आया साइन के लिए, मैं किसी के पास नहीं गई साइन करने के लिए, मैं अपने सोशल मीडिया पर बोल देती हूँ जो मेरा मन करता है। सी अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हर समाज में होते हैं, तो उसमें से कई टॉलरेंट भी होते हैं कई इनटॉलरेंट भी होते हैं। अब मैं काउंट नहीं किया देखने के लिए कि मेजॉरिटी किसकी है, मैंने दोनों तरह के लोग देखे, इतना बोलूँगी। ये ना बहुत स्ट्रेस हो गया है क्योंकि रक्षाबंधन पे यूजुअली लास्ट ईयर तो मैंने कोशिश करी थी, मैं घर थी गई थी अपने सारे भाइयों को राखियाँ बांधने। तो इस साल मैं रक्षाबंधन के दिन नहीं उसे 2 दिन पहले शायद दिल्ली में हूँ, तो वो बांध के मैं एडवांस रक्षाबंधन करके आ जाऊँगी। और 15 अगस्त के दिन घर पे बैठ के वो सुबह जब दूरदर्शन पे देखते हैं वो सारा प्रोसेशन वो देखते हैं। वो मेरा एक तरह से रेगुलर रूटीन रहा है बचपन से, मेरे पेरेंट्स ने आदत डाल रखी थी मेरी, तो रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो तो वो देखते हैं और उसके बाद नंबर देखेंगे कितने आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे। सी वे स्क्रीन वाइज प्रैक्टिकली येस it just helps both the other 2 films to probably get more screens than what it could have if there was another film. But having said that, वो होता क्या है फेस्टिवल सीज़न जो होता है उस उस समय स्पेशली इतना लंबी एक्सटेंडेड वीकेंड होता है जब, तो फैमिलीज आर मोर देन हैप्पी टू गो आउट ट्वाइस टू वॉच अ फिल्म इफ दे फाइंड इट गुड। आई थिंक ये इंडिपेंडेंस डे के लिए भी सही बैठता है और ये दिवाली पे भी सही बैठता है। मेरी फिल्म दिवाली पे आ रही है विद अनदर फिल्म, सो आई थिंक दैट्स बिकॉज वी हैव सच अ लॉन्ग हॉलीडे एंड फैमिलीज आर इन अ मूड टू सी अ गुड फिल्म। सो दैट वेज आई डोंट थिंक विद दीज टू फिल्म्स इट विल really matter much. Yeah, I mean both will get a little more breathing space because one another big film got moved. So yeah, a very 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 happy Independence Day, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। I hope आज के दिन हम सब कुछ एक काम ऐसा करें जिससे हमें लगेगा कि हमारे देशवासी और हमारा देश जो है हमारे को देख के, हमारे काम को देख के प्राउड महसूस करेगा। So please do that. Thank you. ये बहुत ही खास अवार्ड है और जब आपको क्लासिकल म्यूज़िक की शैली में अगर अवार्ड दिया जाता है तो वो और भी ज़्यादा प्रेस्टीजियस हो जाता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स होते रहते हैं, बट जो सम्मान NBT ने दिया है हमें, मुझे जो दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ और बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सभी मीडिया को, सबको मैं बहुत ही बहुत दिल से ये चीज़ की बधाई देता हूँ कि ऐसी चीज़ को आप अगर प्रमोट करते हैं, क्योंकि एक बॉलीवुड का गाना हिट होता है उसको तो सब दुनिया आगे ले जाने में कोशिश करती रहती है, बट जो हमारा जो सोल है क्लासिकल म्यूज़िक उसको बढ़ाने में मैं चाहता हूँ कि मीडिया को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको जितना हो सके बढ़ाएं, क्योंकि वो जड़ है और लाइट म्यूज़िक जो है वो एक उसकी शाखा है, पत्ते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि इस अवार्ड से सम्मान किया जा रहा है और मैं रेखा जी का और द एंटायर टीम ऑफ NBT आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया गया। थैंक यू सो मच। या इट्स क्योंकि हिंदी का है तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, मतलब बहुत अच्छी खुशी की बात है। और नवभारत टाइम्स ऑलमोस्ट 69 ईयर्स 70 साल पूरे होने को आए हैं और लगातार हिंदी की सेवा कर रहा है और हिंदी में हमको खबरें भी दे रहा है और हमारी खबर भी ले रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। इट फील्स गुड व्हेन यू रिसीव समथिंग, यू कम टू दीज काइंड ऑफ award functions and you receive something for your contribution. Navbharat Times से नया बहुत पुराना मेरा रिश्ता है, क्योंकि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। बीइंग ए लिटरेचर स्टूडेंट नवभारत टाइम्स पहले तो काफ़ी बड़ा आता था, मतलब जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में होता था तो काफ़ी तकरीबन 16 पेज का नवभारत टाइम्स होता था। फिर संडे रविवार जो होता था वो 4 पेज उसके होते थे और बहुत अच्छा लिटरेचर होता था इसमें उन रविवार के अंकों में। और काफ़ी अंक मैं सहेज के भी रखता था, क्योंकि मेरी पोइट्री, मेरी जो PhD थी वो समकालीन कविता पे थी, तो समकालीन कविताएं काफ़ी कवि इसमें छपते रहते थे। राजेश जोशी छपते रहते थे, केदारनाथ सिंह छपते रहते थे, मंगलेश डबराल छपते रहते थे, तो ये सारी कविताएं और सारे लेख मेरे लिए काफ़ी रोचक होते थे, जिसकी वजह से काफ़ी कटिंग्स होती थी मेरे पास यूनिवर्सिटी टाइम में नवभारत टाइम्स की। बिल्कुल अखबार की महत्ता बनी रहेगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिजिटल बुक्स आने की उससे कोई ऐसा नहीं है कि प्रिंट बुक कम हो गई हैं, बल्कि इंटरनेशनल जो पब्लिशिंग कंपनियां हैं वो और ज़्यादा हिंदुस्तान में आ गई हैं और ज़्यादा किताबें छापने लग गई हैं। अखबार की एक अपनी वैल्यू होती है। डिजिटल न्यूज़ के साथ आप जो एक टच का फील होता है, जो पेपर पढ़ते हुए आपके साथ एक सुबह के कप के साथ आप बैठते हैं और अखबार पढ़ते हैं, वो मुझे लगता है डिजिटल न्यूज़ आने के बाद भी, डिजिटल मीडिया आने के बाद भी वो फील आपको उस तरह से नहीं मिल पाता। तो हम लोग जो ख़ासकर जो एशियन लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, साउथ एशियन लोग हैं, वो फील पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तो बरकरार रहेगा, अखबारें बरकरार रहेंगी और प्रिंट मीडिया हिंदी का, इंग्लिश का, दोनों ही बरकरार रहेंगे। देखिए ऐसा है, संतुष्टि तो हाँ संतुष्टि है, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन यह है कि किसी भी चीज़ में बेहतर होने की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है और बेहतर होने की कोशिशें भी लगातार चलती रहती हैं। तो ये जो फिल्मी पत्रकारिता है, ख़ासकर नवभारत टाइम्स से, नवभारत टाइम्स में एनबीटी में, मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर है और हालांकि और बेहतर होने की भी काफ़ी गुंजाइश है। मेरे कार्य के बारे में हाल फिलहाल में किताब आई है मेरी चौथी, काली औरत का ख्वाब, वो आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। उसमें मेरे काम के बारे में भी है और मेरे नाकाम के बारे में भी है, मतलब काम की बात भी है और नाकामी की बात भी है उस किताब में। वो किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। और उसके अलावा मैं समकालीन हिंदी कविता की अपनी एक एंथोलॉजी जल्दी लेके आने वाला हूँ। बाकी फिल्मों में आप गाने तो सुनते ही रहते हैं मेरे और वो इंशाल्लाह सुनते भी रहेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मतलब मैं वो मोहब्बत बरकरार रहे, बनी रहे, इसी वजह से मैं कभी कभी वो कहता है ना कि कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आने वाली मेरी जो फिल्में हैं, जैसे इम्तियाज़ अली डायरेक्टर हैं, उनकी एक पिक्चर है जो अभी हाल फिलहाल में आने वाली है, और विधु विनोद चोपड़ा साहब की एक पिक्चर है लव लेटर्स फ्रॉम कश्मीर जिसका अल्टरनेटिव टाइटल है, वो आने वाली है मेरी पिक्चर। तो ये बिल्कुल इमीडिएटली मेरी आने वाली फिल्में हैं। यहाँ पे एक फोटो आ दो जी। ये अच्छी बात है कि एक तो इस नवभारत टाइम्स से वैसे भी मैं जुड़ा हूँ कि मैं 18 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें, नॉलेजेबल चीज़ें हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सुबह आई फील माई सेल्फ वेरी चार्ज्ड। और अच्छी बात है, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को इन्होंने कंसीडर किया है। वैसे तो कई लोग हैं जो इस सम्मानित के हकदार हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से कुछ लोग जो होते हैं कभी कभी अवेलेबल होते हैं, और कभी उनके बारे में जो इन्होंने एनबीटी ने सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है, हमें अच्छा लगा। और मैंने जब सामने से उनको कहा, मैंने कहा देखिए आप मुझे अवार्ड देंगे, मैं आपका थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा। कहते अरे क्यों? मैंने कहा मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा, थोड़ा सा गाऊँगा भी यार, मज़ा उसमें है मेरे को जो आनंद जिससे मिलता है। तो अपने बाजे तबले लेके आ गया, मैं थोड़ा सा गाऊँगा भी, आप भी सुनिए। बहुत इम्पॉर्टेंट डे है 15 अगस्त, एक सेलिब्रेशन भी है, हमें एक ऐसी तकलीफ से आज़ादी मिली, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें सरल भाषा में, स्पष्ट शब्दों में अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको बताना होगा, सरल भाषा में, नॉट विद द डिप्लोमेटिक सेंटेंसेस, कि इस तकलीफ़ से दूर करने में जिन लोगों ने शहादत दी है वो ये लोग हैं, और उनके बारे में बताना होगा। उसमें कई खूबसूरत नौजवान हैं, आप भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, तो उनके बारे में बताना ज़रूरी होता है ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले कि जो बलिदान हमने दिए हैं उसमें सिर्फ एक शाम की महफिल में नहीं ख़त्म कर दिया गया, बल्कि उसे डिस्क्राइब किया गया। वी हैव टू जनरेट द हिस्ट्री ऑफ जो हमारे बलिदान जिन्होंने दिया है। तो 15 अगस्त जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे आसानी से दिन नहीं आया, इसके लिए बड़ी मशक्क़त की गई है। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, निशाने पे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते, देश मेरे मेरी जान है तू। धन्यवाद। दरवाजा बंद कर दो ना, काजोल जी अपन पार्टी है मैडम, इकडे समोर मैम, इकडे काजोल मैडम मैम इकडे, मैडम समोर काजल मैडम, काजल जी सेंटर नाम इथे कांग्रेचुलेशन। और डोर अनुष्का जी पीछे से क्लियर, दोनों दरवाजा बंद कर। हां मैम एक से पीछे, मैम लेफ्ट से शुरू किया ना जूस तक सर, थोड़ा और साइड। अच्छा जी सामने यहाँ पे हॉल्ट मैम, अनुष्का जी लेफ्ट सेंटर प्लीज, अनुष्का जी सेंटर, अनुष्का जी लेफ्ट में थोड़ा मैम, यहाँ पे अनुष्का मैम। आई जस्ट से थैंक यू, मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टाइम्स को और चीफ मिनिस्टर को कि उनने मुझे ये अवार्ड दिया। और आई डोंट नो ऑनेस्टली, कभी कभी लगता है कि आई डोंट नो कि मैं इतने सारे अवार्ड्स की हकदार हूँ या नहीं, बट थैंक यू, इट्स ग्रेट फन टू ड्रेस अप एंड गो फॉर एन अवार्ड एंड इट्स हाईली एन्जॉयबल। जी बिल्कुल, आई थिंक दैट अखबार जो होते हैं आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत बहुत देश को चलाने में कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। और जैसे मुझे लगता है कि देर आर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ कोर्स, पर आई थिंक द फैक्ट दैट जिस भाषा में ये पूरा देश चलता है वो हिंदी है, एंड नवभारत टाइम्स इज़ डेफिनेटली द लीडर इन दैट। थैंक यू सो मच, बट उसके बारे में अभी बात करने में काफ़ी वक्त है, तो आई थिंक वंस आई एम क्लोजर टू दैट टाइम देन आई विल टॉक अबाउट द फिल्म। हाँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई विशेष इच्छा नहीं है, इस साल हम ज़्यादा मनाएंगे नहीं। और सो आई थिंक इट्स जस्ट गोना बी अ क्वाइट बर्थडे एट होम विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट काइंड, एंड दैट्स ऑल आई विश फॉर। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा लगता है जब भी इतना प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। अपने काम में और अपना ही एनवलप को पुश करने का और जज्बा बढ़ता है कि और मेहनत करें और अच्छा काम करें। गॉड इज़ बीन वेरी काइंड, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उन अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत सारा प्यार मिला, तो बहुत अच्छा लगा। इट्स बीन अ वेरी ऑर्गेनिक जर्नी सिंस द टाइम मसान केम आउट इन 2015, 4 साल हो गए। बहुत अच्छा लगता है, 4 साल कैसे चले गए पता नहीं चला। बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, बहुत सारा प्यार मिला, तो बहुत खुशी होती है। कुछ किरदार आपके साथ रह जाते हैं ज़िंदगी भर, तो मसान उनमें से एक फिल्म थी, और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कई बार याद करके, और आज भी जब लोग उसको लेकर प्यार देते हैं बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, इट वॉज़ वेरी स्पेशल। इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी ऐसे ही खबर मिली थी अपने RSVP से जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे थ्रू दिस इवेंट बाय नवभारत टाइम्स आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडनवीस जी पर्सनली ऑन स्टेज फॉर मेकिंग इट हैपन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड इट वाज एंड इट्स नाइस हाउ टू नो दैट पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड टू वॉच दैट फिल्म, एंड द शोज वेंट पैक्ड इवन इफ इट वाज जस्ट फॉर वन डे, but it was a nice feeling that we could kind of contribute to giving an ode to Kargil Vijay Diwas and to all those martyrs and to all those soldiers who fought for us. Of course it is. But जब आप कहानियाँ choose करते हो बतौर एक्टर, आप ये नहीं देखते कि कि आपको एक ही तरीके का रोल करना है या पेट्रियटिज़म है या नहीं है। आप अच्छी कहानी सुनते हो, एक कहानी सुनते हो, और आप अगर आपको वो दिल को छू जाती है तो आप उसको आपको वो करने की इच्छा होती है। And it was always my dream to work with Sujit Sarkar, and I finally got an opportunity to work with him, and I'm glad that it's a film on Shaheed Udham Singh, which is which is a great honor for me also to but a big responsibility also at the same time. So, कर रहे हैं अभी अक्टूबर से शूट फिर से रिज्यूम होगी, and I'm very excited for that process to start. I'm very happy with the way it's shaping up for Sunny as well. Last year Gold आई थी जिनमें उनको काफ़ी प्यार मिला और काफ़ी तारीफ मिली क्रिटिक्स से भी, एंड इस साल रॉनी स्क्रूवाला जी की फिल्म आ रही है भंगड़ा पाले जिसमें वो लीड है। फिर अभी वो इलाहाबाद में इस वक्त शूट कर रहे हैं फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म कॉल्ड मुर्दंग। फिर दिनेश विजन जी के साथ एक फिल्म है, सो ही इज़ ऑल्सो गॉट एन इंटरेस्टिंग लाइन अप। दोनों भाइयों पे ऊपर वाला मेहरबान हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, बट वही मेहनत करते रहेंगे, एंड वी रियली होप फॉर द लव फ्रॉम द ऑडियंस टू। हाँ जी, सैम मानेकशॉ जी की बायोपिक है, एंड दैट्स अगेन मतलब मैंने सिर्फ किस्से सुने थे अपने मम्मी डैडी से, बिकॉज मेरे मॉम डैड पंजाब से हैं, तो उन्होंने 71 के वक्त जब वॉर हुई थी तो उन्होंने वो वॉर को बहुत क्लोजली देखा है, तो हम तब इंदिरा गांधी जी की और सैम मानेकशॉ जी की किस्से सुनते थे कि ये रेडियो पे बातें होती थी एंड ये उनके स्पीचेस होते थे, एंड दैट यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू दी आम जनता। तो पर अब जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, कहानी जानने का मौका मिला, तो आई वॉज रियली ब्लोन अवे कि ही वॉज ट्रूली अ लेजेंड दैट दिस कंट्री हैड, एंड इट्स एन ऑनर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर फॉर मी टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले द पार्ट ऑफ सैम मानेकशॉ. So I'm very excited for that. नहीं, of course. See, देखिए, digital is a platform which is booming, and we all are an audience to it. तो of course अगर कहानी अच्छी होगी, एक कुछ किरदार इंटरेस्टिंग होगा और आपको वो सेटअप अच्छा लगेगा, डायरेक्टर, एवरीथिंग, इफ इट वर्क्स इन एवरी पॉसिबल वे, देन यू डेफिनेटली वांट टू डू इट बिकॉज देयर इज अ ग्रेट ऑडियंस टू दैट. बट ऑल्सो यू हैव टू लुक एट द टाइमलाइंस, इफ इट्स अलाउइंग इन द टाइमलाइन और नॉट. पहला प्यार तो हमेशा मेरी पिक्चर नहीं थी, क्योंकि बड़े पर्दे को देख के सपना आया था कि मैं एक्टर बनूं, तो वो तो कभी कम नहीं होगा. बट इट्स अ ग्रेट एडिशन टू द मेन्यू कार्ड एज एन ऑडियंस एंड ऑल्सो एज एन एक्टर. तो अगर कभी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और कुछ एक्साइटिंग हुआ तो ज़रूर. अभी फ़िलहाल तो फोकस उधम सिंह पर है. सैम मानेकशॉ की शूटिंग हम 2021 में ही शुरू कर पाएंगे, बट जितना मेरे से हो पाएगा कोशिश की एज़ क्लोज टू सैम मानेकशॉ मैं फिजिकली लग पाऊँ, एंड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड एवरीथिंग, तो वो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा. बट अभी तो फोकस उधम सिंह पर है. नहीं, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा. जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, एंड आप मुझे देखेंगे भी. हर फिल्म में एक रोमांटिक एंगल है भी ज़रूर, बट वो कितनी मात्रा में आएगा और कितनी इंटेंसिटी में आएगा वो मैं नहीं बता सकता. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू इट. देखिए, मेरा मानना है कि ओपिनियन रखने से, डिस्कशन करने से, एक डिबेट होने से एक सोसाइटी का भला ही होता है. And it's great that we are getting to express it, and express करना अच्छी बात भी है और ज़रूरी बात भी है, तो बहुत अच्छी बात है. And the main thing is that आप किसी भी दल में हो, as long as हमारा मोटिव देश का विकास हो, वो हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है. So I'm glad that we are at a juncture where discussions are happening, debates are happening, and opinions रखने का मौका मिल रहा है और opinions को discuss करने का मौका मिल रहा है. So it's always very nice. देखिए, मुझे सी इट्स अ वेरी बिग फील्ड, इट्स अ वेरी बिग वर्ड, कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. यू नो, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने नहीं देखा तो किसी और ने नहीं देखा, या मेरे पे बीती नहीं है तो किसी और पे नहीं बीती. बहुत बड़ा देश है और इंटीरियर्स में क्या क्या होता है मुझे भी नहीं पता. मैं अपने दुनिया में क्या होता है वो मैं देखता हूँ. तो इट्स ऑल्सो नॉट फेयर कि हम किसी से पूछे कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है. इट्स अ बिग टर्म जो आप फ्रिवलेसली नहीं दे सकते, यू नो, कि लगता है या नहीं लगता है. बट हम अपने जो पर्सनल लेवल पे जो भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, इन टर्म्स ऑफ रियली विशिंग द बेस्ट फॉर द कंट्री एंड द सोसाइटी अराउंड यू. मुझे लगता है मैं देश में बदलाव तभी ला सकता हूँ जब अपने आसपास में वो बदलाव लेकर आ पाऊँ जो मैं देखना चाहता हूँ. तो अगर हम वहाँ फोकस करें एंड रियली उस पर काम करें, देन आई थिंक वी आर हेडिंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन.